नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीयूष है, आप देखें तो क्वेश्चन आर भारत। बिना किसी डिले तय शुरू करते हैं। अगर आपको किसी तरह का कंट्रीब्यूशन करना हो तो बिल्कुल करिए, यहाँ देख लीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। इस वीडियो को जरूर सुनिए, देखिए, अपना ओपिनियन दीजिए कि क्या यहाँ सुप्रीम कोर्ट किसी तरह की बायसनेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपका ओपिनियन क्या, मैं जानना चाहता हूँ। और अगर आप मुझसे सहमत हों तो शेयर करिएगा। सुप्रीम कोर्ट डंप्स आईआईटी स्टडी दैट शोड फायर क्रैकर्स आर नॉट अ मेजर कॉज ऑफ पोल्यूशन, डिसमिसेस प्ली चैलेंजिंग बैन ऑन सेल। माना मैं खुद अगेंस्ट हूँ एयर पोल्यूशन जो भी फैल रहा है, उनके जितने भी कारण हैं वो सारे कारणों को रद्द किया जाए, उसका समाधान निकाला जाए, लेकिन एक प्ली डाली गई जो चैलेंज कर रही थी जो बैन ऑन सेल है, जो सेल पे बैन लगा फायर क्रैकर्स के। और ये कहा गया कि आईआईटी की स्टडी है जो कहती है कि फायर क्रैकर मेजर कॉज नहीं है पोल्यूशन का। जस्टिस का क्या कहना है? As soon as it is seen the air is poor, forget production, sale should also stop. साई दीपक का कहना है, As per a IIT Kanpur report, firecracker is not even the list of top 15 factor which contributes to air pollution. Top 15 जो factor होते हैं, जो बहुत major factor है, उस factor में firecracker नहीं है, top 15 factors में नहीं है, ठीक है। जस्टिस का क्या कहना है, डू यू नीड आईआईटी टू अंडरस्टैंड दैट फायर क्रैकर्स इम्पैक्ट योर हेल्थ? आस्क समवन स्टेइंग इन दिल्ली व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दिवाली। स्पेसिफिकली उन्होंने दिवाली बोला। दिवाली के साथ साथ वो ये भी बोल सकते थे कि न्यू ईयर पे, दिवाली के साथ साथ वो ये भी बोल सकते थे कि जब जब फायर क्रैकर्स यूज किए जाते हैं, बर्न किए जाते हैं, तब तब क्या होता है वो दिल्ली वालों से पूछ लो। ओके, यहाँ जैसे उन्होंने दिवाली बोला ना, यहाँ साफ समझ में आ गया कि वो बायस है। सॉरी जज साहब, मैं आपको यहाँ ना डिमीन करना चाहता हूँ, ना डिफेम करना चाहता हूँ, ना ही कोई कंटेंट ऑफ कोर्ट को ट्रैक करने की मेरी कोई इच्छा, लेकिन फिर भी एज ए सिटीजन, फ्री सिटीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज़ करते हुए कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ, और आप भी उस घेरे के बाहर नहीं, आपको भी सुनना पड़ेगा, ठीक है। अगर आईआईटी इतना इम्पोर्टेंट ही नहीं है तो आईआईटी मेरे सर्चेस को रोक देना चाहिए। अगर आईआईटी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो आईआईटी को ही बंद कर देना चाहिए, उस एस्पेक्ट को इग्नोर ही कर देना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हमें उन बॉडीज़ जो इन्हीं सब चीज़ों के लिए स्पेशलाइज्ड हैं कि रिसर्च करें, जनता को बताएं, रिपोर्ट दें, काम करें R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इन सब चीज़ों में, मतलब अपना उनका कुछ तो रोल है ना, वो क्यों है? उसी तरीके से कल को जनता ये कह दे, हिंदू समाज ये कह दे कि क्या हमें कोर्ट की ज़रूरत है ये बताने के लिए कि साल में एक दिन दिवाली, क्योंकि दिवाली मेंशन केस में बोल रहा हूँ, साल में एक दिन अगर हम पटाखा फोड़ते हैं या दो दिन पटाखा फोड़ते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, तो कोर्ट बताएगी कि उससे पॉल्यूशन होता है या फिर जो दिल्ली की सड़कें खचा खच, दिल्ली का ट्रैफिक के बारे में कोई नहीं पूछे तो अच्छी बात है, जो कारों से पॉल्यूशन निकलता है, जो वाटर पॉल्यूशन है, जो दिल्ली की जो नदियाँ गंदी हैं, जो दिल्ली के आसपास के जगहों से जो फैक्ट्री का पॉल्यूशन है, जो पराली निकल जलती है, अगर जनता तय करने लग जाए कि क्या कोर्ट बताएगी हमें नहीं पता है, हमें जो करना हम करेंगे, कैसा लगेगा आपको? आपकी जब इम्पोर्टेंस, आपकी नीड अगर ख़त्म कर दी जाएगी तो थोड़ा इस पर विचार करिए और जनता के सेंटिमेंट्स को भी सोच के बोला करिए। आप इसके साथ साथ ये स्टेटमेंट यूज़ कर सकते थे, शायद मैं नहीं हूँ कोई आपको बताने वाला, आपकी सीनियरिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, आप ये यूज़ कर सकते थे कि जब जब पटाखे जलते हैं, जब जब पॉल्यूशन बढ़ता है, तो दिल्ली की जनता से पूछो क्या हाल होता है, बहुत एक्सेप्टेबल। लेकिन आपने दिवाली को टारगेट किया है, आप यहाँ पे मेंटालिटी झलकती है जज साहब। खैर, मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, जनता के विवेक पर छोड़ देना चाहता हूँ, लेकिन जाते जाते कुछ लोगों से, वो कौन है अपने आप समझ जाएं, क्या है वो जनता है या वो जस्टिस है या कोई भी है, भविष्य में ऐसे मुद्दों पर, फॉर एग्ज़ाम्पल राम मंदिर का मुद्दा हो गया, अगर भारत का एक बड़ा समाज कह दे कि हमें कोर्ट की ज़रूरत नहीं थी कभी ये बताने के लिए कि अयोध्या में राम की जन्मभूमि पे, भारत में, इनफैक्ट भारत की बाउंड्री के अंदर कहाँ मंदिर बनेगा, ये बताने के लिए हमें मुसलमानों के जज होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी मुस्लिम जज हो इसकी हमें कोई नीड नहीं, ये क्या है यार? जस्टिस दिया जा रहा है कि यहाँ पे सेक्युलरिज्म का पाखंड किया जा रहा है, लेकिन ठीक है, सर्वसम्मति से आया था, ठीक है।
हमें ये जरूरत नहीं कि हमें कोई मुसलमान बताए या छोड़ दे या दे दे या दान कर दे, नहीं हमें नहीं जरूरत थी। हमें ये भी जरूरत नहीं थी कि कोई बॉडी कोई जजमेंट पास करे और कहे कि ठीक है आप बना सकते हैं तो हम बनाएंगे। भविष्य में अगर एक समाज ये कहने लग जाए कि हमें किसी बॉडी की जरूरत नहीं है ये बताने के लिए कि काशी मथुरा में मंदिर बना सकते हैं या नहीं, आक्रांताओं द्वारा स्थापित मस्जिदों को तोड़ के हम मंदिर बना सकते हैं या नहीं, ये बताने के लिए हमें किसी बॉडी की जरूरत नहीं है, वो बॉडी डिसाइड नहीं करेगी, कैसा लगेगा? क्योंकि मुसलमानों को चिंता नहीं है कि वाटर पोल्यूशन जो वो कर रहे हैं इस पर कोर्ट सुओ मोटो नहीं लेने वाला है। मुसलमानों को चिंता नहीं है, वो ये नहीं सोचते कि कोर्ट क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, इतना पानी वेस्ट करते हैं बकरीद के दिन, इतने जानवरों की किलिंग करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 का क्या होगा, क्यों इतनी स्पेशलिटी, इतना ये थाली में परोस के इतना प्यार उनको क्यों दिया जा रहा है? खैर इस बात को मुझे जवाब चाहिए, जिसने भी अपने आप पे ले लिया वो जवाब दे दे। फिर मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद, वंदे मातरम।